हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि तस्मानिया में और जनरली ऑस्ट्रेलिया में आप उबर ईट्स से कितना अर्न कर सकते हैं और क्या आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर फूड डिलीवरी कर सकते हैं और उबर ईट्स के फायदे और नुकसान क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तस्मानिया में आप 4 सिटीज में फूड डिलीवरी कर सकते हैं, जनरली होबार्ट में, लॉन्सेस्टन में, डेवनपोर्ट में और बर्नी में। और आप तस्मानिया में अराउंड पर वीक जो है ना वो अराउंड $1,000 बना सकते हैं। बट अगर आप इसे सिडनी और मेलबर्न से कंपेयर करें तो ये काफ़ी कम है, जहां आप जनरली मोर देन 1500 इजीली बना सकते हैं पर वीक। लेकिन अगर आपके पास शुरू में कोई जॉब नहीं है और आपको $1,000 भी मिल रहे हैं तो ये आपके एक्सपेंसेस मीट करने में काफ़ी है। अच्छा, बात इसकी बात करते हैं कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर क्या आप फूड डिलीवरी कर सकते हैं कि नहीं। आप मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर उबर ईट्स कर सकते हैं, बट लेकिन अगर आप तस्मानिया में है ना तो आपको आपके पास ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फूड डिलीवरी उबर ईट्स करने के लिए। बट डोंट वरी, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप साइकिल पर भी फूड डिलीवरी कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं इसके फायदों के बारे में, इज इट लाइक वर्थ डूइंग। सबसे बड़ा फायदा बेनिफिट तो ये है कि आप अपने बॉस खुद होते हो, आप अपनी मर्जी से काम स्टार्ट करते हो। फिर ये कि आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट नीड टू मेक एन अकाउंट। उसके अलावा आप सिटीज एक्सप्लोर करते हो, आप ऑस्ट्रेलिया में बहुत ब्यूटी है, आप डिफरेंट जगहों पर डिलीवरी करने जाते हो और आप ऑस्ट्रेलिया की ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हो, विच इज अ गुड थिंग एज वेल, लाइक अ फन एंड वर्क एज वेल। अच्छा चले, हम इसके थोड़े से नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो मुझे नुकसान लगता है वो ये कि आप रोड पे होते हो हर टाइम, विच इज अ बिट रिस्की वर्क। उसके अलावा आपको सुपर एनुएशन नहीं मिलता। सुपर एनुएशन इज बेसिकली लाइक पेंशन, कि आप जो आप रिटायर होते हो तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलती है, लेकिन ये आपको जॉब में मिलती है, आपको उबर ईट्स में नहीं मिलती। ये जनरली 10% होता है आपकी इनकम का, तो आप थोड़ा सा मनी लूज कर रहे हो। उसके अलावा आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, जब आप गाड़ी में बैठे हो और आपको डिलीवरी नहीं आ रही तो आपका टाइम काफी वेस्ट हो रहा होता है। बट वट इज द सोल्यूशन टू दैट, कि आप कोई बुक रीडिंग कर सकते हैं जब आप डिलीवरी का वेट कर रहे हैं, या फिर कोई प्रोडक्टिव पॉडकास्ट लिसन कर सकते हैं। इस तरह अपने टाइम को आप यूजफुल बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फायदे तो होगा और नुकसान तो होगा। आपको कुछ मजीद बातें बता दूं तस्मानिया के हवाले से, कि वहां पे ज्यादा बेटर रहता है कि आप कार में करें, क्योंकि वहां पे हिली एरियाज हैं, रास्ते काफी ऊपर नीचे हैं। उसके अलावा वहां पे वेदर काफी स्वेयर होता है, तो आपको बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, तो कार में होंगे ज्यादा बेटर है और आसानी होगी। लेकिन आप ये चीज देखें कि वहां पे कार थोड़ा सा लेके बाय करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप किसी स्टेट से और स्टेट से तस्मानिया जा रहे हैं तो ज्यादा बेटर है कि आप वहां से कार लेके जाएं, वो थोड़ा सा वेज होते हैं, वो उतना मुश्किल नहीं होता काम, लेकिन आप कार वहां पे लेके जा सकते हैं, तो आपको कार के लिए हवाले से थोड़ी सी आसानी होगी। और उसके अलावा अगर आप सिटी में डिलीवरी कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर है कि आप वहां की जो पार्किंग ऐप है ना वो डाउनलोड कर लें, उससे ये कि आपको पार्किंग में काफी आसानी होगी। Anyway, thank you for watching the video, and if you have any question, you can just ask me in the comment section, and see you in the next one.